आसान नहीं होगा डिम्पी के लिए समर के सपने को पूरा करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी जो अब बहुत ही अच्छे से सामने आ रही है, अच्छी लग रही है। एक तो उसके साथ इतना बड़ा दुख शुरू हो गया है जिसके होते हुए हम आप कभी भी डिम्पी से अब नाराज नहीं हो सकते। और अब डिम्पी ने जो समर के सपने को पूरा करने की बात कही है वो भी बहुत अच्छा है। डिम्पी को एक मोटिवेशन मिला है, एक मोटिव मिला है। मगर ये सपना क्या आसान होगा उसके लिए पूरा करना, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी ने ठान तो लिया है कि मैं समर के सपने को पूरा करूंगी, वो कंपटीशन जितवाऊंगी जिसको समर ने सोचा था कि मैं ये कंपटीशन जीत के उन बच्चों की मदद करूंगा जो डांस सीखना चाहते हैं मगर पैसे नहीं है। कंप्लीट अनुपमा का रूप, बापूजी ने कहा भी। तो ये सपना समर का था, अब डिम्पी जो है उसको पूरा करना चाहती है। और डिम्पी प्रेग्नेंट है, बा की बात भी सही है, मगर बा को ये भी समझना चाहिए जो बापूजी ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है। और अगर उसको इस समय जब इतना बड़ा दुख उसके साथ चल रहा है एक मोटिवेशन मिलती है, एक मोटिव मिलता है तो क्या बुरा है। इससे उसका ध्यान भटेगा, उसको लगेगा कि मैं अपने समर के लिए कुछ कर रही हूं। हालात नॉर्मल नहीं है दोस्तों। एक तरफ समर के लिए लड़ाई चल रही है जस्टिस की, और ये जस्टिस आसान नहीं है क्योंकि काव्या के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। अब डिम्पी बाहर जाएगी जो कि समर से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो क्या डिम्पी पे हमला नहीं हो सकता? बापूजी साथ में हो या फिर बा साथ में हो या फिर कोई भी साथ में हो, दूसरी ताकत बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पे इसीलिए ये सपना जो है पूरा करना आसान नहीं है। ये जो डिम्पी ने सोचा है और साथ में जो काव्या ने भी उससे बात की, और डिम्पी ने समर के दूसरे सपने के बारे में भी बात की कि मुझे वो एकेडमी छुड़वानी है क्योंकि समर का सपना था कि मम्मी को एकेडमी वापस देनी है। तो यहां पे ये जितना मुश्किल हो जाएगा सपने को पूरा करना उतना ही अनुपमा का शाह उसमें होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि समर के सपने के लिए अगर डिम्पी करना चाहती है उसको पूरा, तो अनुपमा को जब पता चलेगा तो वो भी इसमें हाथ बटाएगी। अल्टीमेटली इस जो कंपटीशन की बात हो रही है इसको जितवाने में अनुपमा डिम्पी की मदद करेगी। इस दौरान डिम्पी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बार बार बा कहेगी कि मैंने तो कहा था मत जाओ। जबकि एक बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर कुछ होना हो तो घर के अंदर बैठे बैठे भी हो सकता है। काव्या घर के अंदर ही गिरी थी, खड्डा तो नहीं था मगर गिरी थी, तो ये हादसा कहीं भी हो सकता है। इस बात से बा का जो कहना था वो गलत था, मगर बा ने जो आगे कहा कि लोग क्या कहेंगे, वहां पे बा हमेशा ही बोलती है मगर बा की सुनी नहीं जाती है। वो सुना भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए जीना अगर शुरू करेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो डिम्पी ने जो सपना पूरा करने की ठानी है दोस्तों, ये जो कदम उठाया है ये वाकई सराहनीय है। डिम्पी अब काफी अच्छे से, जो मैंने शुरू में भी कहा, उभर के आ रही है, मगर ये सपने वाला जो ट्रैक होगा ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत सारी कठिनाइयां डिम्पी को आएंगी और डिम्पी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुपमा आएगी, और अनुपमा अपने ऊपर लेगी जो यूजुअली होता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।